से मत फसई दे गोलाप मु जेल जावाप चाहूंगी। राम राम। उड़िया मूवी है पावर, जिसका ट्रेलर आज रिलीज किया गया। तो उड़िया मूवी पावर का जो ट्रेलर है ना, देखते हैं कि उसमें कितना पावर है। खुशी खबर दबार अच्छी गाड़ी कह तेज निजर भाग कौन खुशी खबर सरपंच रात अधिक बोधे ये जाएगा सरपंच पंजा मारिक घंटी कारू रक्त पीजी सरपंच अकाल पुष्पाजे जन्म कर मत लगुच निवारण केन्द्र छाड़ सरपंच मधुचंदी चलती ना पंडा फैमिली जो इलेक्शन न जीतला ना बाबा सुरेश पंडा गोलाप मो गोलाप से ना चिंताधारा के गोलाप जेल जाने कमार छुआ मुतला आगे हथियार बन पारे हथियार चल पारे तू मत सेकेंड लगे से पावर को मुड़े बाबा सरपंच बेणुधर कांडी टेट देखे बाबा ट्रेलर में एलिना सामंतराय एक शायद पढ़ी लिखी इंसान दिखाई गई, पढ़ी लिखी लड़की दिखाई गई, और बाबू साहेब मोहंती शायद बिना पढ़े दिखाए गए। पर हाँ, जब वो पावर में आते हैं, जब वो गुस्से में आते हैं ना, वो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, हमें बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी बाबू साहेब मोहंती उड़िया मूवी के सुपरस्टार हैं। उनकी एक और पहले मूवी आई थी जिसका हमने रिएक्शन दिया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। चौधरी प्रकाश दास, कृष्णाकर और अपराजिता मोहंती, इसके जो निर्देशक हैं अशोक पति, निर्माता हैं तृप्ति सत्यपति। ये जो मूवी है ना, ये एक कहानी है रियल घटना की, उड़िया की कहानी है। तो ये जो मूवी है ना, बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इसमें जो कहानी दिखाई गई ना, सत्य घटना पर दिखाई गई। और आजकल जितनी भी सत्य घटना पर आधारित मूवी आ रही है ना, एक से बढ़कर एक आ रही है। और उसमें दिखाया जाता है बाबू साहेब मोहंती होते हैं, वो एक लोहार होते हैं, बहुत सीधे साधे इंसान होते हैं, नाक बंद करके शराब पी रहे होते हैं, धूम्रपान मना है ऐसा लिखा होता है, इसीलिए हमने आपसे बोला। और इसमें दिखाते हैं ना कि पहले वो बहुत सीधे साधे होते हैं, गांव की किसी लड़की से उनको प्यार हो जाता है, उससे भी वो मार खा लेते हैं, कई लोगों से मार खाते हैं, सारे लोग उनका मजाक बनाते हैं। फिर उसमें दिखाया था इलेक्शन होता है, पहले जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगी होती है पहले पीछे, और वो माल्या अर्पण करते हैं, और वो लड़की शायद टीचर होती है, ऐसा टेलर को देख के लग रहा था। मूवी आने के बाद में पता चलेगा कि उसमें क्या क्या है। फिर इसके बाद में वो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में पैसे बट रहे होते हैं, और बाबू साहब मोहंती जो होते हैं ना, वो उसमें खड़े होते हैं लाइन में पैसे लेने के लिए। पर बाद में उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है, वो कहते हैं उनको फांसी होने वाली है,
और फिर वो बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं और भागते हैं वहां से। तो वो हथौड़ा दिखाते हैं, कहते हैं हथौड़ा चलता भी है और हम बनाते भी है और चलाते भी है। जब ये चलता है तो पावर आती है और फिर वो प्रधान की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ऐसा इस टेलर को देख के लग रहा था। और जो पहले प्रधान थे उनकी शायद छुट्टी हो जाती है, होते हैं वो हथौड़ा बनाते हैं, खुद भी बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, यही सब कुछ इसमें भी दिखाया गया कि वो लोहार होते हैं और सारा काम लोहे का करते हैं। और 3 मिनट 1 सेकंड का टेलर था, टेलर बहुत अच्छा था। उसमें दिखाते बाबू साहब मोहंती लव लेटर लेके आते हैं, एक गुलाब का फूल लेके आते हैं, वो उनको साइकिल पे गुलाबी साड़ी पहन के बैठा के पीछे बाबू साहब मोहंती बैठा के लेके जाती है और उनसे उनका लेटर भी छीन लेती है, लव लेटर भी छीन लेती है और गुलाब का फूल भी छीन लेती है। फिर बाबू साहब मोहंती की जिंदगी में कुछ ऐसा मूवी में सब कुछ पता चलेगा। मूवी एक रियल घटना पर आधारित है। मूवी 12 जून 2024 को सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। उड़िया मूवी है, बहुत अच्छी होगी। बाबू साहब मोहंती फिल्म के बैनर तले ये मूवी बनाई गई है। एक्शन होगा, राजनीति होगी कि एक गरीब आदमी कैसे राजनीति में उतरता है और कैसे बहुत बड़ा नेता बनता है। एक्शन, रिएक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर, कॉमेडी, लव। एलिना सावंत राय एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की दिखाई गई, शायद वो स्कूल में पढ़ाती भी है। और बाबू साहब मोहंती एक ठोस लोहार दिखाए गए। और जब इलेक्शन में पैसे बढ़ रहे होते हैं तो वो लाइन में खड़े होते हैं पैसा लेने के लिए, फिर वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं। ये हमें सस्पेंस में ले जाता है कि वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं और वो इलेक्शन जीतते भी हैं। जब उनके पास नेता आते हैं तो वो कहते हैं कि पंचायत मेरी, प्रधान भी मैं हूँ, तुम कुछ नहीं हो। तो मूवी बहुत अच्छी होगी, दमदार होगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लेके बताएं कि उड़िया मूवी पावर का ट्रेलर आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाजिरेन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।